अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम फिर हाजिर हैं आप सबके खिदमत में नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। उसके लिए हमने यहाँ कीमा को हमने उबाल के बढ़िया से मुलायम करके रख लिए, और ये प्याज है स्टफिंग के लिए, ये हरी मटर है, और ये आलू क्रश करके रखी हूँ, और ये लहसुन, हरी मिर्च, इतनी अदरक, और इसमें हम जीरा लेंगे। जीरा हम बघार में डालेंगे, अभी स्टफिंग बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। तो ये हम सब मोटा मिक्सर में दरदरा हम पीस लेंगे इसको। बाकी हम इधर हमारा खीर के लिए दूध रखा हुआ है, देखिए देखिए ये दूध है खीर के लिए, इधर उबरला है। तो आज हमने खीर ऐसे बनाए कि हम पीसे नहीं, उसको जैसे जाउर बोलते गांव में बनती है उबाल के ना, उस तरह हमने कुकर में चावल को खूब नरम गला लिया। अब दूध गर्म है, अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट से बघारेंगे, घी डाल के बना लेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसको पीस के लेके आते हैं, फिर स्टफिंग बनाते हैं। चलिए अब हम गैस की तरफ आ गए थे स्टफिंग बनाने के लिए। तो हम इसमें तेल डालें, जीरा जीरा डालें, जीरा लाल हो गया। प्याज हमें जलाना नहीं है, मटर डाल दें, हल्दी गई, जरा सा खाली धनिया पाउडर एक चुटकी, एक कश्मीरी मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा। अब हम जो ये लहसुन और हरी मिर्च जो मोटा मोटा पीस के लाए ना, तो अब ये डाल रहे हैं इसमें। कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है स्टफिंग का। अब हम थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, वो
बहुत बढ़िया है। चूमा डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा नमक का डब्बा दें, भिजवाना मसाला, नमक हम उबालने में भी डालें हम, थोड़ा और डाल देते हैं। हरी धनिया, देखो कुछ कम ज़्यादा और लग रहा है तो डाल। चलिए देखिए हमारा आटा गूंद के भी रखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और स्टफिंग भी तैयार है, तो भर के उसको रख लेंगे। लो नाता आटा लो, तो लगे होंगे मेरी बहुएं भी सपोर्ट कर रही हैं माशाल्लाह साथ में। मुझे अकेला छोड़ते नहीं हैं। भरो ये लो, ऐसे करके मुट्ठा मार के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ऐसे भर के ऐसे भरे, भर के उसका ऐसे उसका मुंह ऐसे करके मुंह उसका ऐसा ऐसे करके, बेलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर मोटा मोटा स्टफिंग भरी हूँ मैं, तो फिर बाद में बेलन डालेंगे तो पराठा नहीं है, कीमा कचौरी है, तो कचौरी के साइज का ही रहना चाहिए। तो देखो वैसे इतना बड़ा बड़ा पास है ना, तो इस तरह हम सब बना के रख लेंगे, तब ऊपर चलते हैं कढ़ाई में फ्राई करने। देखें देखिए कैसे फूल रही है कचौड़ी, ऐसे लाल लाल देखिए उतर रही है, उतरेगी तो और लाल हो जाएगी है। देखिए तैयार हो गई हमारी कीमा कचौरी, और इधर बहुत ही बेहतरीन खीर जो हमने चावल को नहीं पीसे और अखा चावल से बनाए गला के, और मसाला बड़ी केसर है ऊपर डाले, ड्राई फ्रूट केसर, और बहुत अच्छी दिख रही है। और देखते हैं अब कचौरी का टेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजवाब बहुत टेस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसा चाहिए उम्मीद थी वैसे ही बना है।
और बहुत मेहनत की हूँ गाइस। हमारी रेसिपी को आप लोग शेयर और लाइक करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे। और अब मैं यही विदा लेती हूँ। आप सबसे हमारे लिए दुआओं में याद रखें हमें भी, और मैं आप सबको भी रखूँगी। बस दूसरी वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।